संगणक विक्रीच्या दुकानात काम करणाऱ्या एका नोकरानेच मालकाला गळा घातला व गोदामातून 3,80,000 लॅपटॉप लपास केले. धंतोली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली. अझर अहमद शेख 44 वर्ष ऑरेंज सिटी टावर धंतोली यांचा लॅपटॉप विक्रीचा व्यवसाय आहे. शेख यांनी लॅपटॉपची मोजणी केली तेव्हा लॅपटॉप चोरीला गेल्याची बाब उघडकीस आली. शेख यांच्या तक्रारीवरून धंतोली पोलिसांनी तांत्रिक तपास केला. त्यांच्या कंपनीतील काम सोडून गेलेल्या नागेश वानखेडे धंतोली याला ताब्यात घेऊन विचारपूस केली असता बादल अण्णाजी वाघ 20 वर्ष सरस्वतीनगर ताकिया आणि जयसिंग भारतसिंग चौहान या साथीदारासोबत मिळून चोरी केल्याची बाब समोर आली. 17 सप्टेंबर 2023 ते 18 जानेवारी 2024 या कालावधीत बादलने शेख यांच्या गोदामाचे कुलूप उघडून वेळोवेळी लॅपटॉप गायब केले. या कालावधीत डेल आसूल या कंपन्यांचे 3,80,000 लॅपटॉप चोरले गेले होते. शेख यांच्या तक्रारीवरून धंतोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला व तिन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्यांनी विक्री केलेले 7 लॅपटॉप आतापर्यंत पोलिसांनी जप्त केले आहे. पुढील तपास पोलीस करीत आहे. धंतोली पुलिस थाना यहाँ पे 30 जनवरी 2024 को अजहर अहमद शेख जो लिनियो डेल और आसूस लैपटॉप की प्रिमजी कंपनी के विदर्भ के डिस्ट्रीब्यूटर है, इन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर की थी कि उनके लैपटॉप गोडाउन से कुछ लैपटॉप चोरी हो गए. 3,80,000 का मुद्देमाल चोरी जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. पुलिस थाना धंतोली इन्होंने कलम धारा 381 IPC के तहत गुना रजिस्टर किया था. उस दिन के जो कर्तव्य पे जो अधिकारी थे PSI शेख और हमारी जो तपास पथक की टीम थी NPC सुभाष वासाड़े, NPC बालू और PC वृषभ, ये लोगों ने गुना रजिस्टर होते ही उस चीज़ पर यानी इन्वेस्टिगेशन किया. जो टेक्निकल इश्यूज है जो उस बेस पे सब CCTV फुटेज चेक करके वो कंपनी में काम करने वाले सभी जो स्टाफ है उनसे पूछताछ करने के बाद वहाँ पे वहाँ का काम छोड़ के गए हुए एक नागेश वानखेड़े रहना फकीरावाड़ी तकिया धंतोली इसको ताबे में लेकर उसको पूछताछ करने के बाद पता चला कि काम जो है उसने उसके जो 2 साथीदार है बादल अन्नाजी वाग फकीरावाड़ी और जैन सिंह भरत सिंह चौहान जो गोरखपुर MP का रहने वाला है जो 6 महीना पहले ही काम छोड़ के चला गया है, ये सब साथियों ये जो इनके साथीदार थे इनके माध्यम से ये गोडाउन के लैपटॉप चोरी करके बाहर बेचे गए हैं और अलग अलग जगह पे बेचे गए हैं. ऐसे मालूमात मिलने पर हमारी पूरी टीम मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा डिंडोरी अलग अलग जगह जाके वहाँ पे पूछताछ करके आरोपी के लोकेशन पे जाके आरोपी को ताबे में लिया.